हेलो ट्वेडर्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रो सिक्योरिटीज बाय योर फ्रेंड बाय योर मेंटर हिमांशु मेघलानी सो माय डियर ट्वेडर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अ वीडियो और इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि हमारी ट्वेडर कम्युनिटी है ठीक है आप, आप सब आप जैसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं मेरे मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे हैं जिनका ये सवाल मुझसे रहता है कि सर अगर मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना हो ठीक है इफ यू टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर कि ट्रेडिंग से ही आपको अपना जैसे बोलते हैं ना अपना लिविंग कॉस्ट निकालना है अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं एंड ईच एंड एवरी सो ट्रेडिंग को फुल टाइम करने के लिए आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ठीक है so, सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईजी फॉर्मेट में समझाने वाला हूँ ठीक है कि ट्रेडिंग को आपको फुल टाइम कंसिडर कब करना चाहिए ठीक है फर्स्ट थिंग और कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा कैसे आप उसको एग्जैक्टली exactly कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल ईजी फॉर्मेट में इसको समझेंगे सो so स्टार्ट करते हैं अपना सेशन मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द सेशन सो माई डियर ट्रेडर्स वी आर अब देखो आप लोग सबसे पहले ये चीज समझे कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए ठीक है इज दिस द राइट टाइम सबसे पहले ये समझ रहे देखो हम किसी भी प्रोफेशन या किसी भी बिजनेस को फुल टाइम कब करते हैं ठीक है ये जो ट्रेडिंग है ना ये ट्रेडिंग इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर जॉब ठीक है ये आपकी रेगुलर जॉब या एक नॉर्मल रेगुलर बिजनेस की तरह नहीं है ठीक है वाई बिकॉज ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है ठीक है दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल फॉर्मेट ऑफ बिजनेस अब मैं यहाँ पे कुछ आपको रियलिटी बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पे कुछ हम थियोटिकली रियलिटी चीज़ों पे बात करेंगे मैंने कैसे ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम आ, करियर बनाया कैसे मैं ट्रांजिट हुआ ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में जॉब नहीं की मैंने लाइफ में बिजनेस नहीं किए अपार्ट फ्रॉम ट्रेडि ट्रेडिंग मैंने काफ़ी बार जो है जॉब की है ठीक है अपना कैपिटल एक्यूमलेट करने के लिए काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा है कि कुछ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो डाइवर्सीफाइड रखता हूँ ऐसा नहीं है कि इफ आई फैमिन स्टॉक मार्केट तो मैं अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा यहीं पर स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ नो वी हैव टू डाइवर्सिफाई थिंग्स बट पॉइंट आता है हाउ टू बिकम फुल टाइम ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बनना है जी हमें ट्रेडिंग फुल टाइम करनी देखो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलता हूं कोई भी इंसान इस मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान तब दे जब फॉर एट लीस्ट ये मैं एट लीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं एट लीस्ट फॉर नाइनटी ट्रेडिंग सेशंस इस मार्केट में आपने डे ट्रेड किया हो एंड वो डे ट्रेड करने का रिजल्ट जो है आपका वो पॉजिटिव हो ठीक है ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्या अब इस मार्केट में होता क्या है काफी लोग ट्रेडिंग में उतर आते हैं ठीक है ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में उतरने के बाद क्या होता है कोई भी एक अमाउंट ऑफ कैपिटल से मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वो वन लाख रुपी का कैपिटल लेके आए ठीक है ठेके? अभी इसके ऊपर रिटर्न कितने आने चाहिए ये सब बात की बात है पहले क्या है कि आप आए ट्रेडिंग में उतरे आपने क्या किया आपने ट्रेडिंग सीखा ठीक है लर्न किया लर्न हाउ टू ट्रेड ठीक है अब लर्न कर लिया हाउ टू ट्रेड बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है आपने जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करने के लिए अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकली एक ट्रेडर कैसे सोचता है लाइव मार्केट में कैसे सोचना होता है लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल करना होता है कैसा पोजिशन साइजिंग रखना होता है कैसा रिस्क रिवॉर्ड रखना होता है ये सब सीखने के बाद जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन में फुल टाइम ट्रेडर बनोगे प्रैक्टिकल नहीं बन पाओगे इमेजिनेशन में अपने ख्यालों में फुल टाइम ट्रेडर बनना इज डिफरेंट थिंग प्रैक्टिकली अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना है चीजें सीखने के बाद यू हैव टू इंप्लीमेंट देम और एटलीस्ट नाइन्टी ट्रेडिंग सेशन लिख रहा हूं यहां डेज नहीं है ठीक है तीन महीना नहीं है नाइन्टी ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रेड करना है मार्केट में विद दो रूल्स आपको मार्केट के हर एक फिनोमिना को यहां पे समझना है ये नब्बे जो सेशन आप ट्रेड करेंगे ना इसमें आपको मार्केट क्या मिलेगा वोलेटाइल भी मिलेगा अपसाइड ट्रेंडिंग में मिलेगा डाउनसाइड ट्रेंडिंग में मिलेगा, मिलेगा रेंज भी मिलेगा बहुत सारे फेजेस आपको यहाँ पे आपको न्यूज़ ट्रेड करने को भी मिलेगा आपको हो सकता है कुछ ग्लोबल न्यूज़ मिल जाए हो सकता है आपको कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ मिल जाए बिकॉज नाइन्टी ट्रेडिंग सेशंस आर अलॉट ठीक है आपको यहाँ पे जितने भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पर क्या पार्टर्स बन रहे हैं ऊपर का मार्केट नीचे का मार्केट एवरी फेज आपको यहाँ पे इन नाइन्टी ट्रेडिंग सेशन्स में ट्रेड करने को मिलेगा राइट right. सो so, अगर आप ये 90 ट्रेडिंग सेशन सक्सेसफुली ट्रेड कर लेते ठीक है इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव होता है आउटकम पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि आप स्टार्ट हुए थे वन लाख ,00 के कैपिटल से अब 90 ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं नाउ योर कैपिटल इज अबव वन लाख ठीक है ,00 आपने कुछ और डिप्लॉय नहीं किया है कोई और पैसा नहीं डाला है बट मैं यहाँ पे कोई भी एक्स अमाउंट का रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ कि आपने पाँच परसेंट रिटर्न कमाया आपने दस परसेंट रिटर्न कमाया या आपने पचास परसेंट रिटर्न कमाया हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट नॉट कम ऑन दैट ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप मार्केट के नाइन्टी ट्रेडिंग सेशन को ट्रेड करने के बाद भी अपने कैपिटल को रिजर्व करके यहाँ एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके टिके हुए हैं बिकॉज नाइन्टी नाइन परसेंट रिटेल ट्रेडर ये करने में अनसक्सेसफुल होते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट रिटेल ट्रेडर अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं ठीक है सो डेली ट्रेड करते समय आपका कैपिटल अगर आप सही तरीके से सही माइंडसेट से सही साइकोलॉजी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपका कैपिटल ये नब्बे दिन में नहीं थर्टी डेज के अंदर ही वाइप हो जाएगा ठीक है या मार्केट से आधा हो जाएगा या वाइप हो जाएगा और एक बार किसी ट्रेडर का कैपिटल जब आधा हो जाता है सपोज आपने एक लाख रुपए लगाया ठीक है फर्स्ट थर्टी डेज में आपका कैपिटल हो गया फिफ्टी थाउजेंड तो वो ट्रेडर क्या करता है फिर उसका साइकोलॉजी पूरा ज़ीरो हो जाता है तो उसका साइकोलॉजी कहाँ जाता है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में रिकवरी पे ठीक है वो कभी भी एक बेटर ट्रेडर नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका माइंड सेट चल रहा है रिकवरी पे सो यू हैव टू बी कॉशियस आपको समझदार बनना पड़ेगा द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पहले दिन के पहले ट्रेड से ही आपको ऐसे करना है दैट ये जो वर्ड आप यूज करो ना यहाँ पे फुल टाइम फुल टाइम का मतलब क्या होता है समझो ठीक है मैं यहाँ पे जब ट्रेडिंग करने बैठता हूँ ना यार आप देखोगे मुझे मोस्टली बड़े ही कूल एंड काम तरीके से ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ ठीक है कूल एंड काम तरीका मतलब मुझे ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती है ठीक है आई डू नॉट रन बिहाइंड द ट्रेड्स भागता नहीं होगा मैं अभी ये ट्रेड ले लूँ या अभी वो ट्रेड ले लू बिकॉज मार्केट है ये दिन में आपको पांच ऑपरचुनिटी देगा आपको एक या दो अपॉर्चुनिटी जो है बढ़िया वाली वो ग्राप करनी है उसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम उसके लिए यू हैव टू फॉलो द रूल्स उसके लिए यू हैव टू बी फोकस्ड यू हैव टू बी डेडिकेटेड राइट बस वो चीज़ डेवलप करनी है जब वो चीज़ डेवलप हो गई देन आप ग्रेजुअली अपने आप को अपने अंदर वो ट्रांजिशन फील करेंगे कि आप कैसे एक पार्ट टाइम से फुल टाइम बन जाएंगे यू नेवर नो बिकॉज फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए इट रिक्वायर्स अ वेरी 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 लेस नंबर ऑफ डेज बहुत कम समय चाहिए होता है यार क्यों क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको फुल टाइम ट्रेडर बनाएगा और वो कॉन्फिडेंस कब गेन करोगे आप जब इस मार्केट में ट्रेड करके आप टिकोगे जब आपके अंदर से वो डर खत्म होगा जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मार्केट हफ्ते में पाँच दिन मंडे टू फ्राइडे एवरी डे ट्रेड होता है अगर मुझे मंडे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आई हैव ट्यूजडे ट्यूजडे भी नहीं मिली तो आई हैव वेंसडे वेंसडे भी नहीं मिली तो आई हैव थर्सडे ठीक है ऐसे यू हैव टू प्लान थिंग्स लाइक दिस ठीक है और इस मार्केट में एक ऑप्शन बायर के लिए रिटर्न निकालना इज नॉट डिफिकल्ट यहां पे एक ऑप्शन बायर एक डिसेंट कैपिटल के साथ एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करे तो आई बिलीव टेन टू फिफ्टीन परसेंट पर मंथ इजीली रिटर्न निकाल सकता है टेन टू फिफ्टीन परसेंट पर मंथ इतना रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल uh, मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बीट एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना रिटर्न आपको कहीं एनुअली भी नहीं मिलेगा अभी एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट 2023 की ठीक है एनुअली भी इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना आप मंथली यहाँ पे निकाल सकते हैं एंड दिस इज नॉट अ बिग रिटर्न यहाँ पे मैंने पैसा हर महीने डबल करने की बात नहीं की है यहाँ पे मैंने एक डिसेंट रिटर्न की बात की है अगर आप इसको वन लाख रुपी से भी कैलकुलेट करेंगे तो वन लाख रुपी से टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ निकालना है इज नॉट अ बिग डील प्रॉब्लम क्या होती है इंसान फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है बट वन लाख का टू लाख टू लाख का फोर लाख फोर लाख का एट लाख ये करना चाहता है ठीक है और करना भी कैसे चाहता है नॉट इन मंथ्स पूरे महीने में भी नहीं उसको लगता है कि आज मेरा कैपिटल एक लाख है ना चलो दो दिन में इसको एक एक का दो कर देते हैं या तीन दिन में इसको एक का दो कर देते हैं कि आज एक्सपायरी डे है आज पचास हज़ार लगाऊंगा एक लाख रुपए निकाल लूंगा राइट ये जो माइंडसेट है ना भाई ये माइंडसेट आपको फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनने देगा ठीक है कोई भी चीज़ फुल टाइम करने का मतलब क्या होता है उसको समझो ठीक है फुल टाइम मतलब सिंपल अगर मैं इसको ब्रेक करूँ फुल टाइम मतलब लॉन्ग टर्म ठीक है फुल टाइम मतलब कि हम यहाँ पे इस चीज़ के साथ आगे अपनी लाइफ अपनी जर्नी ठीक है वो बिताना चाहते हैं इट्स नॉट लाइक कि आज किया बस छुट एकदम जैसे कहते ना टू मिनट मैगी वाला सी हिसाब कि देखिए फटाफट -फड़ बनाया फटाफट -फड़ खाया और खत्म ऐसा नहीं करना है भाई ठीक है फुल टाइम मीन्स यू हैव टू स्पेंड टाइम यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड यू हैव टू ग्रो ग्रेजुअली ठीक है कोई भी ट्रेडर को आप देखोगे ना उसकी लाइफ में जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम अ पार्ट टाइम या फ्रॉम अ लर्नर टू अ गुड ट्रेडर या फ्रॉम अ पार्ट टाइम ट्रेडर टू अ फुल टाइम ट्रेडर वो कैसे ग्रेजुअली हुआ है ठीक है मार्केट के अंदर टिक के हुआ है पैर टिका के हुआ है जम के हुआ है जब तक आपके पैर टिकेंगे नहीं मार्केट में रुको रुकोगे नहीं अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाओगे फुल टाइम कहाँ से इमेजिनेशन में ही फुल टाइम रह जाओगे बस ठीक है सो अब बात करते हैं जल्दी से कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि प्रैक्टिकली आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड हो सकता है ये फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए देखो ये जो कैपिटल रिक्वायर्ड है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किस चीज़ के आपके मंथली रिटर्न आपका एक्सपेक्ट कर रहे हो अब मैं आपको ना एक हाइपोथेटिकल ऐसा सिचुएशन दे रहा हूं एक ऐसा नंबर दे रहा हूं अगर आप लोग उस नंबर पर काम कर गए तो समझो कि आपके लिए ये मार्केट ना पैसे की पौछार कर देगा बस आपको उस माइंड सेट को वैसा डेवलप करना है देखो आपको क्या करना है वॉट यू सिंपली हैव टू डू इस सिंपली मंथली रिटर्न जो है ना अपने उसको वेरी फर्स्ट मंथ जो आपका फर्स्ट मंथ होगा ना उसको आप रिजर्व करके चलो फाइव परसेंट ठीक है यानी कि वट एवर कैपिटल यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट सपोज आप वन लाख ,00 रुपी से स्टार्ट करने का सोच रहे ठीक है अब आप ये कि आपको पहले महीना फाइव परसेंट का रिटर्न निकालना है मैं महीने की बात कर रहा हूं विच इज फाइव थाउजेंड रुपीज सो अब ये पांच हजार रुपए निकालने के लिए यू डू नॉट हैव टू बाय निफ्टी का थाउजेंड क्वांटिटी ठीक है सो डे वन से थाउजेंड क्वानिटी में काम करना मत स्टार्ट करो वॉट यू शुड डू ट्राई ट्रेड विद जस्ट वन लॉट एक एक लॉट एक एक लॉट से सीखो एक एक लॉट से डेवलप करो चीजें एंड द मोमेंट यू अचीव दिस टारगेट सपोज आपके पास हमारे पास क्या होते हैं ट्वेंटी वन ट्रेडिंग सेशन होते हैं इन अ मंथ ठीक है आपने ये टारगेट अचीव कर लिया सपोज थर्टीन ट्रेडिंग सेशन में ठीक है नाउ यू आर स्टिल विद एट मोर ट्रेडिंग सेशन अब ये हो गया आपके लिए बोनस ठीक है ये जो एट ट्रेडिंग सेशन है इन ट्रेडिंग सेशन में वट यू विल डू आपने जो थर्टीन ट्रेडिंग सेशन में जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं उन ट्रेड एग्जीक्यूशन से आपको पता लग गया होगा कि कौन सा डे ऐसा है जो कि आपको बड़ा पैसा कमा के दे सकता है वो कौन सा डे होता है ऑप्शन बायर के लिए कौन सा डे होता है जो बड़ा पैसा कमा के देता तो है दैट इज अ ट्रेंड डे ठीक है तो ट्राई एंड फोकस के जो रिमेनिंग एट डेज है उसमें से एक या दो दिन आप वही डे ट्रेड करो जो कि ट्रेंड डे हो एंड उस बोनस में यू विल एबल टू मल्टीप्लाई योर रिटर्न ठीक है ये जो पांच हज़ार आपने तेरह दिन ट्रेडिंग करके कमाया होगा ना उस पांच का आप दस कर लेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऐसे डेवलप करेंगे कि मुझे अब एक से दो दिन ही काम करना बिकॉज जितना मेरा टारगेट मैंने अपने लिए सेट किया था दैट इज़ ऑलरेडी अचीवड अब मैं इस टारगेट को बढ़ा नहीं रहा हूँ बट मैं अपने जो प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पर कमाए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा और इंसेंटिव क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे पास जिसे बोलते हैं ना जॉब में हम करते हैं ना कि आपको जॉब में क्या होता है बॉस आपको एक टारगेट देता है सेल्स में रहता है ना टारगेट अब सेल्स आपने अगर अचीव कर ली और आपकी सेल्स अचीव हो गई हाफ ऑफ द मंथ में ही तो क्या आधा महीना आपको कंपनी के खाली बैठने देगी बोलेगी खाली बैठ जाओ नहीं क्या बोलेगी नहीं यार ओवर अचीव करो वी विल इंसेंटिव आई यू हम आपको उस पर इंसेंटिव देंगे सो आप समझो ऐसी आपने ये टारगेट अचीव कर लिया उसके ऊपर जो आप काम करोगे वो इंसेंटिव है बट इंसेंटिव शुड बी रिस्क फ्री ठीक है इंसेंटिव में आपको अपना ये जो मेन टारगेट है ना ये दाव पे नहीं लगाना है ठीक है रिस्क फ्री कैसे अब आप कुछ लोग ये चीज़ दिमाग में जाके सोचेंगे कहेंगे यार ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा है डे ट्रेडिंग की बात कर रहा है रिस्क फ्री तो है नहीं भाई रिस्क फ्री मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीरो परसेंट रिस्क इज रिस्क फ्री ठीक है रिस्क फ्री वो नहीं होता बट इफ़ यू ट्रेड अ रेंज डे एंड इफ यू ट्रेड अ ट्रेंड डे एंड अगर आप ट्रेंड डे ट्रेड कर रहे हो तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ट्रेंड डे में ट्रेड करते समय आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट जल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप अगर रेंज डे में पंगे ही नहीं लेंगे मार्केट से तो आप अपने प्रॉफिट्स जो आपने ऑलरेडी कमाए हैं उनको भी रिटर्न कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट्स को आगे ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर पाएंगे ठीक है दैट इज वाई सेड कि एट ट्रेडिंग सेशंस अगर बचे हैं उसमें से जस्ट वन और टू सेशन आपको मार्केट में बैठना डेली है बट यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ट्रेंडिंग डे है ठीक है कौन सा डे ट्रेंड डे है फॉलो दैट उसी डे ट्रेड करो बाकी डे ट्रेड मत करो ठीक है ये होता है अपने आप को ऐसे बनाना ऐसे हैबिट्स डेवलप करना जिससे आप एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करेंगे फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे ठीक है अगर आप फर्स्ट मंथ ये चीज अचीव कर लेते हैं देन जितना भी आपने अपना मेन टारगेट प्लस बोनस जो अचीव किया है उसके ऊपर आप नेक्स्ट मंथ अपना मेन टारगेट सपोज आपने फाइव परसेंट का टारगेट फर्स्ट मंथ अपने लिए लगाया था और आपने थ्री परसेंट और मान लेते हैं ऊपर आपने अचीव कर लिया यानी कि टोटल आपने एट परसेंट के गेंस लिए आठ हजार रुपये महीना बनाया ठीक है और वो भी एक लॉट ट्रेड करके जस्ट विद वन लॉट कैपिटल आपके पास वन लाख था आप इस चीज को टेन थाउजेंड रुपीज के कैपिटल से भी कर सकते हैं भाई ठीक है एक लॉट को ट्रेड करना निफ्टी के इच्स अगर आप बहुत इन द मनी में भी जाएंगे तो टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड लगेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी इन द मनी स्ट्राइक में काम करने के लिए निफ्टी के राइट सो विद दैट यू कैन अर्न दिस मच तो ऐसा मत सोचो दिमाग में ये मत लाओ कि मेरे पास तो कैपिटल दस लाख है तो मैं फटाफट पहले महीने से ही शुरू हो जाता हूँ शक्तिमान बनना नहीं अगैन थिंक कि यू आर एट द फाउंडेशन स्टेज आप बेस स्टेज पे हो अभी आप फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो सो इट शुड बी स्ट्रांग ठीक है और वो कैसी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम कहते हैं ना पैम्पर करके बनाना है आपको उसको ठीक है बहुत ध्यान रखना है ठीक है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है बिकॉज यहाँ से जब आप आगे चलोगे ना तो ये जो फाउंडेशन में आपने सीखा हुआ है ना यही कैरी फॉरवर्ड होगा राइट देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर योर लाइफ टाइम राइट फुल टाइम ट्रेडिंग कर लेंगे तो ये करने के बाद अगर आप एट परसेंट का रिटर्न निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ यू शुड गिव योर सेल्फ अ टारगेट ऑफ टेन परसेंट ठीक है कैपिटल यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट कैपिटल इज डिफरेंट कैपिटल अपने पास एक लाख रुपया है लेकिन हम यूटिलाइजेशन टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड कर रहे हैं ठीक है ठेके? अब अपने आप को हम नेक्स्ट जो टारगेट दे रहे हैं वो टेन परसेंट दे रहे हैं नाउ यू नो दैट एक महीना पूरा आपने एक लॉट ट्रेड करके इतना सही परफॉर्मेंस लिया है नाओ द वेरी नेक्स्ट मंथ यू कैन एड वन मोर लॉट आप दो लॉट में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है विद वन दो लॉट में ट्रेड करने के लिए मैक्सिमम कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा ट्वेंटी फाइव से थर्टी थाउजेंड वो भी अगर आप निफ्टी के कोई बहुत अच्छे इन द मनी में काम करते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब जिसका प्रीमियम लगभग वन सेवेंटी वन एट्टी टू हंड्रेड गराउंड चलता है जिसमें अच्छे मोमेंटम्स आपको मिलते हैं नाउ यू विल बी हैविंग एट थाउजेंड प्रॉफिट ऑल्सो आपका ठीक है एंड यहाँ से आप ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ा रहे हैं अपने टारगेट्स को बढ़ा रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ठीक है अब इन्हीं सब चीज़ों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं हमेशा अपने मास्टर क्लास पार्टिसिपेंट्स को भी समझाता हूँ बताता हूँ वो क्या देखो जब भी आप ट्रेडिंग करो सो so, ट्रेडिंग में एंटर करते समय जैसे आपने आज अगर ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है या आपको फुल टाइम ट्रेडिंग को देना है सो यू शुड हैव एटलीस्ट सिक्स मंथ्स का जो आपका एक्सपेंसेस है ठीक है उतना रिजर्व आपके पास पड़ा होना चाहिए वट आई मीन टू सपोज आपका मंथली एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंसिस जो है वो है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ इतना आपको महीने का खर्चा चाहिए अपने लिए अपनी फैमिली के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज है आपके उसके लिए राइट सो so, इसको मल्टीप्लाई बाय सिक्स कर दोगे तो इल कम थ्री लाख रुपीज अब ये थ्री लाख रुपीज आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूर कैपिटल विच यू आर यूजिंग फॉर ट्रेडिंग ठीक है ट्रेडिंग से अलग बिकॉज फॉर दैट सिक्स मंथ आप कहीं पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए ऐसा ना हो क्या आप ट्रेडिंग में उतरे और वेरी फर्स्ट मंथ से ही आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि मैं ट्रेडिंग से ही जो पैसा बनाऊंगा उसी से ही मेरा खर्चा चलेगा ऐसे आप कभी भी फ्री माइंड होकर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे दैट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू माइंड वो प्रेशर आपको क्या करेगा वो कहीं ना कहीं फिर गलत ट्रेड्स ओवर ट्रेड्स कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट खराब कर देगा आपका साइकोलॉजी आपका नहीं डेवलप होने देगा राइट आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल फिफ्टी थाउजेंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ हो ठीक है तो आप अगर यहाँ पे सिक्स मंथ्स की बात करें तो इट्स इट इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इतना आपके पास रिजर्व होना चाहिए राइट अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये रिजर्व नहीं है ठीक है ये रिजर्व नहीं है राइट स्टिल दे वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर और अभी आप करेंटली किसी जॉब में है तो आप क्या करेंगे तो आप अपनी जॉब को इट नहीं करेंगे यू do नॉट हैव टू क्विट योर जॉब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप यहाँ पे सुनते होंगे मार्केट में बहुत से ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं ऐसे, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि जी मेरे से स्ट्रैटेजी ले लो मुझसे कोर्स ले लो और आप अपनी जॉब छोड़ दोगे ये कर लोगे वो कर लोगे भाई इन सब चीज़ों में मत पढ़ो सिंपली ये प्रोसेस है मैं बार बार बोलता हूँ इवन विद माई मास्टर क्लास पार्टिसिपेंट्स हर एक जगह पर मैं ये प्रैक्टिकल समझाता हूँ मैंने खुद अपनी लाइफ में भाई जिंदगी के ट्रेडिंग के जो मेरे स्टार्टिंग के तीन से चार साल है मैंने वहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं निकाला था तीन से चार साल सिर्फ मार्केट को दिया था ठीक है मार्केट में इन्वेस्ट किया अपना टाइम मनी एवरीथिंग देन चार साल बाद मुझे ग्रेजुअली रिटर्न आना स्टार्ट हुआ ठीक है वो रिटर्न फिर धीरे धीरे बढ़ता गया राइट सो so, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी को चार साल लगेंगे जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इनको फॉलो कर लोगे ना तो आप चार से छः महीने में ही एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे मुझे उस समय कोई गाइड करने वाला था ही नहीं ऐसा मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था भाई मैं ये चीज़ काफ़ी बार अपने पुराने सेशन में से भी बोल चुका हूँ कि उस समय लेवरेज बहुत मिलता था मार्केट में अभी आप लोग जो नए हो ना आपको जो साल डेढ़ साल दो साल हुए जिनको मार्केट में आए उनको लेवरेज तो नहीं पता होगा ठीक है बट जिस समय मैं ट्रेड करता था वहाँ पे टेन थाउजेंड रुपीज़ के कैपिटल से भी ना आपको टेन एक्स फाइव एक्स एट एक्स तक का लेवरेज मिलता था इंट्राडे ट्रेड करने के लिए राइट सो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी उस समय जो कि आज नहीं है ठीक है जब हम ट्रेड करते थे सो so, उस समय मेरे स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेडिंग के टाइम पे आजकल तो बहुत से डिस्काउंट ब्रोकरस है उस समय ज़रूदा वगैरह कुछ नहीं होता था कोई डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं होता था ठीक है उस टाइम ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा होती थी आप अगर देख रहे हैं अभी यहाँ पे एक ट्वेंटी रुपी पर ट्रेड ब्रोकरेज चल रहा है ठीक है फिफ्टीन रुपी पर ट्रेड चल रहा है उस समय क्या होता था सिक्सटी रुपी सेवेंटी रुपी पर लॉट ऑप्शन का आपको बाय करने के लिए भी ब्रोकरेज लगता था और सेल करने के लिए भी लगता था ठीक है पर लॉट इफ़ यू आर बाइंग टेन लॉट्स सब समझ लो छः सौ रुपये खरीदने का और छः सौ रुपये बेचने का बारह सौ रुपये तो आपका ये गया उसके ऊपर एक से लाख ठीक है बहुत सारी चीज़ें थी बहुत सब ऐसा कार्यक्रम था बट अभी थिंग्स आर डिफरेंट एंड आई से थिंग्स आर क्वाइट ईजी ठीक है अगर आप रूल बेस्ड ठीक है प्रोसेस को फॉलो करके कुछ चीज़ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं राइट सो आई बिलीव थिंग्स आर प्रिटी क्लियर आपको एक छोटा सा रोड मैप समझ आएगा अपने दिमाग में कि आपको ग्रेजुअली कैसे अपने आप को मैप करना है ठीक है कैसे आप अपना एक बैकअप क्रिएट करके काम करेंगे जॉब में अगर आप हो जॉब के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करना है तो इट विल बी योर पार्ट टाइम ट्रेडिंग ठीक है उसको पार्ट टाइम लेके करो छः महीना कंसिस्टेंट रहो पहले यहाँ पे रिटर्न्स निकालो इतना रिटर्न निकालो कि आप अपने आप को अगले छः महीने के लिए बैकअप दे सको ठीक है वंस यू आर रेडी विथ दिस देन ओनली थिंक अबाउट बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर एल्स नॉट ठीक है एल्स जब तक मार्केट में ये सब चीजें नहीं हो जाती आपके दिमाग नहीं डेवलप हो जाता तो मेहनत करते रहो भाई ठीक है और टेक राइट काइंड ऑफ एजुकेशन ठीक है एजुकेट करना अपने आप को ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर आप खुद को एजुकेट ही नहीं करेंगे खुद के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आप रिटर्न किससे एक्सपेक्ट करेंगे ये मार्केट रिटर्न नहीं देता यार यहाँ पे यहाँ पे जो भी इंसान रिटर्न कमाता है ना वो कौन इंसान रिटर्न कमाता है जो खुद पे इन्वेस्ट करता है ठीक है आप किसी भी ट्रेड के अंदर कोई भी पोजिशन ले रहे हैं ना सो यू आर टेकिंग दैट पोजिशन ऑन योर ओन रिस्क किसी और का कुछ नहीं आना जाना उसमें ठीक है सो ट्राई एंड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ लर्न थिंग्स फर्स्ट देन एग्जीक्यूट करो तब आपको मज़ा आएगा ठीक है प्रॉपर नॉलेज के साथ जब आप चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे ना तब आपको चीज़ें प्रैक्टिकली होती हुई नजर आएंगी अच्छे ग्राउंड पर ठीक है सो आई बिलीव यू गे इज लाइक डिट मजा आया होगा आज के सेशन में थोड़ा सा इलेबोरेटेड हो गया बड़ा हो गया बट इट्स गुड जो भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस सेशन से सो आई वांट यू गाइस टू शेयर दिस सेशन आपकी जो भी नियर एंड डियर्स में जो भी बिगिनर्स हैं जो भी स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं उनके बहुत से क्वेश्चन के आंसर इस सेशन में मिल जाएंगे सो so उनको ये वीडियो जरूर भेजें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए टेक केयर टाटा बब बा बाय बा एंड जय श्री राम